60 प्लस है, और एक बार ब्रेक टेस्ट करके देखेंगे कैसा ब्रेकिंग है इस बाइक का। तो चलो गाइस बात करते हैं इस बाइक का ऑन रोड प्राइस। इन कोलकाता इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1 लाख। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी मोटर व्लॉग्स। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? करते हो बढ़िया बढ़िया रहना मेरे तरह। तो गाइस फाइनली देख सकते हो मेरे पीछे खड़ी हुई न्यू बजाज पल्सर 150 नया मॉडल जो लॉन्च हो चुका है। एंड गाइस इस बाइक में भी क्या क्या नया फीचर्स जो है अपडेट हुआ है, कितना ऑन रोड प्राइस है, माइलेज कितना देता है, सब कुछ डिटेल्स जो है मिल जाएगा। एंड क्या क्या अपडेट हुआ है वो भी गाइस आप लोगों को बता दूंगा। एंड गाइस लास्ट में बताऊंगा मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस, अगर आप लोग इस बाइक को बाई करते हो तो कैसे आप लोगों को राइडिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड गाइस अगर इस बाइक को आप लोग ईएमआई पे लेना चाहते हो, कितना लोएस्ट डाउन पेमेंट आएगा पर मंथ, कितना आप लोग ईएमआई आएगा, हर एक डिटेल्स जो है इस वाले ब्लॉग में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो जरूर एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस इस वीडियो का मैं शूट कर रहा हूँ बजाज भीषा का शोरूम से। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल रहने वाले हो, अगर बजाज का आप लोग कोई भी मॉडल बाय करना चाहते हो, टेस्ट लेना चाहते हो, तो इस शोरूम पे गाइस कांटेक्ट कर सकते हो। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस चलो सिनेमेटिक शॉट जो एंजॉय करो, देन वीडियो जो स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस पहले की से स्टार्ट करते हैं। इधर पे की जो है नॉर्मल से की मिलता है, पल्सर का लोगो वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, वेव की भी नहीं है। तो फ्रंट का लुक का पहले बात कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे कितना ज़्यादा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वाले मॉडल पे वो गाइस बताता हूँ। फ्रंट में गाइस आपको ट्रांसपेरेंट एक विंडशील्ड मिलती है, इधर बजाज का लोगो है। एंड अगर करते हैं गाइस इग्निशन को ऑन, तो अभी भी गाइस आप लोगों को बल्ब हेडलैम्प देखने मिलेगा, पायलट लैम्प भी जो है वो भी गाइस बल्ब देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, इंडिकेटर अभी भी गाइस बल्ब है, एलईडी वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रंट का लुक है, साइड पे ब्लू कलर का स्टिचेस है एंड कार्बन फिनिश टच भी देखने को मिल जाए 150 का। इधर पे बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड मडगार्ड के ऊपर भी गाइस आप लोगों को कार्बन फिनिश टच जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो है गाइस ग्राफिक्स है, कलर नहीं है। एंड मडगार्ड के ऊपर भी गाइस इधर पे ब्लू कलर का हल्का सा स्टिकरिंग भी है। फ्रंट पे गाइस टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, सस्पेंशन के ऊपर गाइस आप लोगों को रिफ्लेक्टर ही मिल जाएगा। ये जो है राइडर के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी फीचर है, नाइट के टाइम में विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा मिलेगा। फ्रंट का डिस्क साइज की बात करूँ, 280 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है सिंगल चैनल ABS के साथ। पीछे का क्या मिलता है वो मैं थोड़ी देर बाद आप लोग बताता हूँ। इधर पर जैसे देख सकते हैं ABS का प्लेट है। एंड अलॉय की अगर बात करूँ तो 17 इंच का अलॉय व्हील है। 125 पे जो डिज़ाइन मिलता है ना, वो डिज़ाइन अभी भी गाइस 150 आप लोग देखने को नहीं मिलेगा। पहले वाला जो ओल्ड लुक डिज़ाइन है वही आप लोगों को मिलता है। 90/90 सेशन की जो ट्यूबलेस टायर है, MRF का नाइलो ग्रिप टायर प्रोफाइल गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा। और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर पा रहे हो इसमें जो चेंजेस हुआ है वो है गाइस ग्राफिक्स, मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस जो है इसमें बहुत सारा हुआ है। टैंक के ऊपर इधर पे जो नया ग्राफिक्स मिलेगा जो मुझे तो पर्सनली गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। एंड पल्सर का लोगो देखो, पल्सर का लोगो भी गाइस चेंज हो चुका है, पहले जो है क्रोम पार्ट में देखने को मिलता था लेकिन अभी ब्लैक ग्लॉसी है। एंड नीचे गाइस बॉर्डर मिलता है एक ब्लैक कलर का, जो आप लोग सामने से अगर देखोगे ना उस टाइम पर समझ पाओगे। 50 लीटर का गाइस फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 45 से 50 तक माइलेज जो है इजीली मिल जाएगा। लेकिन वो भी गाइस राइडर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग इस बाइक को कैसे राइड करते हो। और एक चेंजेस आप लोग नोट कर पा रहे हो, इधर पे फ्यूल टैंक के ऊपर जो पहले टैंक कैप मिलता था वो गाइस क्रोम पार्ट पे मिलता था लेकिन अभी ब्लैक कलर के साथ है। एंड E20 का बैजिंग भी इधर पे आ चुका है, मतलब गाइस अभी इस बाइक को आप लोग 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल से जो राइड कर पाओगे, मतलब फ्लेक्स फ्यूल के साथ। एंड इसमें गाइस अभी OBD2 फेस टू लिफ्ट के साथ जो ये बाइक लॉन्च हो चुका है। एंड इसमें मैं गाइस और एक चीज़ नोट कर पा रहा हूँ, अभी नया वाला मॉडल में जो DTSI टेक्नोलॉजी हटा दे रहा है लेकिन 150 में गाइस आप लोगों को DTSI टेक्नोलॉजी है मिलता है, मतलब ट्विन स्पार्क इधर पे भी गाइस स्पार्क है। किक स्टार्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ जो है सेल्फ मिलता है। एंड इधर पर और एक चीज़ जो है मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब इसके लिए बाइक का जो ओवरऑल लुक है और भी ज़्यादा प्रीमियम टच दे रहा है वो है गाइस काउल जो है फाइबर का, इसके ऊपर भी गाइस ग्राफिक्स है। साइड पैनल की अगर बात करूँ, पूरा जो पार्ट है ना गाइस आप लोग कार्बन फिनिश टच मिलता है, जो है कि ग्राफिक्स नहीं है, कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टच दे रहा है इसके लिए। अगर रियर बॉडी की बात करूँ, 150 की जो बैजिंग है हल्का सा कार्बन फिनिश टच है। एंड नीचे मतलब बॉडी के नीचे जो ग्राफिक्स है ना वो गाइस पूरा कार्बन फिनिश है एंड ब्लू कलर का स्टिकरिंग मिल जाता है। स्प्लिट ग्रैबलेन मिलता है 180/220 की तरह ही। एंड रियर लुक की बात करता हूँ तो चलो इग्निशन करते ऑन। तो पल्सर का लुक सिग्नेचर वाला टेल लैम्प अभी भी इस वाले मॉडल पे है, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नवा पे लाइट जो है वो भी गाइस हेलोजन है। इधर पे गाइस आप लोग फ्लेक्सिबल बल्ब इंडिकेटर मिल जाता है एंड मडगार्ड जो है वो भी गाइस फ्लेक्सिबल है जैसे देख सकते हो।
तो चलो गाइस यही बात करते हैं इस बाइक का मेन पार्ट मतलब हार्ट के बारे में। एयर कूल 149 सीसी का इंजन है, पावर प्रोड्यूस करते हैं 13.8 bhp एट द रेट 8500 rpm एंड टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं गाइस 13.25 न्यूटन मीटर एट द रेट 6500 का rpm। तो गाइस इसमें जो है 5-gear ट्रांसमिशन मिलता है, हिल एंड टो का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इधर पे टो मिलता है एंड इंजन पे इधर पे DTSI जो है मिल जाता है, दोनों तरफ ही स्पार्क प्लग मिलता है। और एक चेंजेस है, आप लोग ऊपर से देखने में तो उतना ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहा, लेकिन इसका जो फ्यूल पंप है वो चेंज कर दिया, इधर पे जो इश्यू है उसका भी गाइस आप लोगों को जो है चेंज देखने को मिला, क्योंकि E20 मॉडल है, इथेनॉल से चल पाएगा, इसके लिए अंदर का जो मैकेनिज्म है ना वो गाइस चेंज हो चुका है। तो गाइस और एक चीज जो है इसमें बहुत ही बड़ा लगा वो है गाइस डुअल स्टैंड एंड सिंगल स्टैंड का दोनों ही ऑप्शन मिलता है, एंड इधर पे साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर भी है। डुअल स्टैंड से यही फायदा है कि गाइस अगर आप चेन क्लीन करना चाहते हो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा काम आ जाता है, अगर बाइक पंचर हो जाता है ना उस टाइम पे जो है डुअल स्टैंड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इधर पे गाइस ओपन चेन सेटअप है एंड राइडर्स जो फुट टेस्ट होगा गाइस फ्लेक्सिबल है, पिलियन जो फुट टेस्ट है वो भी गाइस हमें फ्लेक्सिबल मिलता है, ऐसा कुछ एल्युमिनियम का देख सकते हो। साड़ी गार्ड मिल जाता है इधर पे, ट्विन गैस नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन है, इंडोरेंस का सस्पेंशन है गाइस एडजस्टेबल, इधर से गाइस आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। एंड रियर टायर की अगर बात करो गाइस 17 इंच का अलॉय व्हील है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इधर पे, एंड सेम डिजाइन है 120/80 सेशन की गाइस ट्यूबलेस टायर है। टायर प्रोफाइल गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा, MRF का टायर है जो कंपनी से फिट होकर आ रहा है। एंड इधर पे जो डिस्क है गाइस इधर पे ABS की तरह प्लेट मिलता है, लेकिन गाइस ये जो है ABS नहीं है, ये जो है गाइस RLP प्लेट मतलब रियर लिफ्ट व्हील प्रोटेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा रियर डिस्क में। 230mm का गाइस आप लोगों को डिस्क साइज मिलेगा रियर पे, एंड रियर लुक गाइस कुछ आप लोगों को ऐसा मिलता है। अगर एग्जॉस्ट की बात करूँ फुल्ली ब्लैक मैट फिनिश इधर पे एग्जॉस्ट मिलेगा, एग्जॉस्ट के ऊपर भी गाइस एक मफलर मिलता है वो भी गाइस फुल्ली ब्लैक मैट है। तो चलो एग्जॉस्ट में करते ऑन, आप लोगों को एग्जॉस्ट में सुना देता हूँ। सेल्फ का साउंड जो है ना वही गाइस चेंज हो चुका है एंड आइडल साउंड है ये, तो चलो अभी एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को सुना देता हूँ। तो जो साउंड है ना गाइस पहले से बेस थोड़ा आप लोगों को ज्यादा फील आएगा, एंड रिफाइनमेंट जो है वो आप एग्जॉस्ट नोट सुन के ही फील आ गया है। एंड साइलेंसर के ऊपर इधर पे गाइस O2 का सेंसर है, एंड इधर पे गाइस हल्का सा प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, कंपनी फिटेड गाइस इधर पे लेग गार्ड भी मिल जाता है। अगर सीट की बात करूँ 150 पे ये जो है गाइस स्प्लिट सीट मिलेगा, कुशनिंग गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब राइडर सीट एंड पिलियन सीट जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड राइडर सीट से पिलियन सीट जो है देख सकते हो थोड़ा जो है ऊपर की साइड है, उतना ज़्यादा नहीं हल्का सा जो ऊपर की साइड है। 785mm का गाइस सीट हाइट मिलेगा इस वाले मॉडल पे, एंड इस बाइक का कार्बोवेट है 150 kg का कार्बोवेट देखने में मिलेगा, एंड इंजन काउल होने के बाद भी जो ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को मिलता है 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो गाइस इधर पे एक कलर है जो ब्लैक एंड ब्लू, और एक कलर ऑप्शन देखने को मिलता है जो है ब्लैक एंड रेड, इधर पे देख सकते हो ब्लैक एंड रेड ये भी एक कलर ऑप्शन है जो 150 और देखने को मिल जाएगा, एंड 150 में सिंगल सीट एंड स्प्लिट सीट दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सिंगल सीट लेते हो उसमें गाइस डिस्क नहीं मिलते, जो है रियर पे ड्रम देखने को मिलेगा RLP प्लेट के साथ, एंड इसमें गाइस जो गियर पेडल है देख सकते हो हिल एंड टो दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। एंड गाइस कंपनी क्लेम कर रहे हैं 110 तक जो है इस बाइक का टॉप स्पीड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलो गाइस यही बात करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, अभी क्या क्या आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस इंस्ट्रूमेंट करते ऑन, तो इधर पे गाइस एनालॉग प्लस डिजिटल मिलता है, लेफ्ट साइड में जो है वो RPM मीटर मिलेगा एनालॉग पे, इधर पे RPM लिमिटर है, वार्निंग वगैरह इधर पे मिल जाएगा FI का इधर पे। राइट साइड में गाइस आप लोगों को मिलता है स्पीड, एंड इसमें और एक जो है नया बदलाव हुआ है वो है गाइस रियल टाइम माइलेज ऊपर में दिखाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी कितना अभी जब आप राइड करोगे कितना माइलेज देगा वो जो है ऊपर में मिल जाएगा, नीचे गाइस ओडो मिलता है। ट्रिप ए पे कितना माइलेज दिया वो भी गाइस ऊपर में जैसे देख सकते हो शो करता है, ट्रिप टू कितना माइलेज दिया वो भी गाइस शो करेगा, एंड नीचे देख सकते हो DTE मतलब डिस्टेंस टू MT कितना अभी गाइस बाइक में पेट्रोल है कितना किलोमीटर बाइक जो भी रन हो पाएगा देन MT होगा वो भी गाइस जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही आप लोगों को मिल जाता है। राइट साइड पे गाइस इधर पे आप लोगों को टॉगल करने के लिए बटन मिल जाता है, नीचे गाइस वार्निंग वगैरह मिल जाएगा, न्यूट्रल ABS इंडिकेटर अपर डिपर का वार्निंग, एंड इधर पे गाइस वार्निंग वगैरह मिल जाता है। और एक चीज़ गाइस इधर पे जो है कार्बन फिनिश टच जो है वो भी गाइस देखने को मिलेगा, इसके लिए और भी ज़्यादा लुक जो है प्रीमियम आ रहा है। अगर हैंडल बार की बात करूँ तो गाइस इधर पे आप लोगों को स्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, लेफ्ट साइड में गाइस आप लोगों को मिल जाएगा अपर डिपर पासिंग स्विच इंडिकेटर हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न है गाइस, हॉर्न का साउंड जो पल्सर का सिग्नेचर है वो मिलेगा, इधर पे डुअल हॉर्न देखने को मिलेगा। राइट साइड पे गाइस आप लोगों को मिलता है हिल स्विच के साथ सेल्फ। तो चलो गाइस ये बात करते हैं इस बाइक का ऑन रोड प्राइस, इन कोलकाता इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 1,44,790 rupees। अगर आप लोग इस बाइक को EMI पे लेना चाहते हो मैं L&T बैंक का स्कीम बता दे रहा हूँ, लोएस्ट डाउन पेमेंट के साथ 30
1000 गाइस मिनिमम डाउन पेमेंट आएगा। आप लोग 4 ईयर के लिए लेना चाहते हो तो पर मंथ ईएमआई आएगा 3435 रुपीज का, जो पर मंथ आप लोग ईएमआई देना पड़ेगा। तो भाई जितना रिव्यू वाला पार्ट बताना था वो सारी चीज़ तो बता दिया। बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क का अभी मैं लूंगा इस बाइक का टेस्टेड एंड मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस गाइस आप लोगों से शेयर करूंगा कि अगर आप लोग इस बाइक को बाई करते हो तो कैसा आप लोगों को जो राइडिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो चलो इस बाइक को राइड करके देखते हैं। जो बाइक है स्प्लिट सीट है, मेरा हाइट है 5.9 फीट, जो पैर है मेरा दोनों तरफ गाइस इजीली पहुंच रहेगा। 5.5 या 5.6 का बंदा भी हो ना वो भी इस बाइक को इजीली राइड कर पाएगा, क्योंकि सीटिंग हाइट उतना अपन लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है इसके लिए। चलो इग्निशन करते ऑन। एग्जॉस्ट जो नोट है सेल्फ देते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जॉस्ट साउंड में गाइस बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। एंड आप लोग एग्जॉस्ट नोट चेक कर लो, बेस एंड राफ से एग्जॉस्ट नोट है। चलो अभी राइड करके देखते हैं। सीटिंग पोस्चर की बात करूँ थोड़ा गाइस आप लोगों को अलग सीटिंग पोस्चर देखने को मिलेगा इस वाले मॉडल पे। मतलब स्पोर्टी से फील है हैंडल बार पे, लेकिन सीटिंग पोस्चर एकदम अपराइट है, मतलब इतना स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ, लेकिन हल्का सा जो हैंडल है ना वो गाइस आप लोगों को स्पोर्टी फील देता है। एंड गाइस टैंक को मैं इजीली अच्छे तरीके से पैर से जो है ग्रिप कर पा रहा हूँ, लेकिन फुट पेज जो है ना वो गाइस थोड़ा पीछे की तरफ है। अगर आप लोग इस बाइक को राइड करोगे तो हल्का सा आप लोगों को जो है स्पोर्टी फील आएगा हैंडल बार एंड फुट पेज की वजह से। लेकिन गाइस क्लच की बात अगर करूँ बटरी स्मूथ आप लोगों को क्लच देखने को मिलेगा। मतलब पहले वाले मॉडल से इस वाले के मॉडल का जो क्लच है गाइस बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को स्मूथ देखने को मिलेगा। एंड गियर की बात करूँ गियर अटक नहीं रहा है, स्मूथ ही है। तो अभी जो बाइक है गाइस 450 के आसपास है। चलो ब्रेक टेस्ट का देखते हैं कैसे इस बाइक का ब्रेकिंग बाइट है। डुअल डी से यस गाइस फ्रंट ब्रेक का बाइट जो बहुत ही बढ़िया है एंड रियर ब्रेक का बाइट भी गाइस बढ़िया है, लेकिन मैं अगर कंपेयर करूँ तो फ्रंट ब्रेक का बाइट ज़्यादा बढ़िया है। देख रहे एग्जॉस्ट नोट ओ गाइस एंड एनालॉग में ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मतलब आरपीएम मीटर जो ऊपर की तरफ जाता है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो गाइस कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। इधर पे कार्बन फाइबर टच है, ब्लू कलर का लाइट है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टच दे रहा है। एंड क्लच गाइस छोड़ते ही ना बाइक भागने लगता है, मतलब वो फील है बाइक में। पावर गाइस मतलब टोटल घुमाने से ही आपको जो पावर फील आएगा, मतलब एकदम ही पावर में लैग वगैरह नहीं है। एंड क्या ही भाग रहा है 60+ है। और एक बार गाइस ब्रेक टेस्ट करके देखेंगे कैसा ब्रेकिंग है इस बाइक का। यस गाइस फ्रंट ब्रेक का बाइट बहुत ही बढ़िया है। तो टर्निंग रेडियस चेक कर लेते हैं एक बार, इधर पे टर्न करके देखते हैं। टैंक काउल होने के बाद भी गाइस हाँ बहुत ही औसम सब लोगों को हैंडल रेडियस देखने को मिल जाएगा। जब पर टैंक काउल है फिर भी गाइस आप लोगों को औसम सा बहुत ही बढ़िया टर्निंग रेडियस है, मतलब उतना ज़्यादा रेडियस लेके बाइक जो नहीं घूमता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो इधर पे गाइस अभी रियल टाइम माइलेज भी दिखा रहा है, जैसे स्पीड में भी राइड कर रहा हूँ इसके हिसाब से बाइक जो 40 के आसपास माइलेज दे रहा है। एंड हैंडल बार पे इधर पे स्विच वगैरह देख सकते हो, इधर पे लाइट्स वगैरह जलते हैं ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम टच देता है जो सिर्फ बजाज एंड KTM पे ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड ब्रेकिंग बाइट गाइस देखो फ्रंट ब्रेक का बाइट देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा औसम है। अगर मैं जब पेनी ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो मुझे फ्रंट ब्रेक का बाइट ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड बाइक में और एक चीज़ मुझे फील आ रहा है वो गाइस बहुत ही ज़्यादा फ्लिकेबल है। मतलब ट्रैफिक कंडीशन पर अगर डेली कम्यूट करोगे तो उन लोगों के लिए इस बाइक को राइड करने के टाइम पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। हैंडल रेडियस भी अच्छा है, ट्रैफिक कंडीशन पे भी गाइस आप लोग कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, फिल्टर वगैरह कर सकते हो, पावर भी अच्छा है। ब्रेकिंग बाइट भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब मैं कंपेयर करूँ फ्रंट ब्रेक का बाइट ज़्यादा अच्छा। अगर आप लोग ओवरटेक करना चाहते हो कुछ भी दिक्कत नहीं, थोड़ा घुमाओ एक सेकेंड में बाइक जो पावर डिलीवर कर देता है। एंड हॉर्न भी गाइस आप लोगों को बढ़िया मिलता है। मैं अभी टॉप गियर से न्यूट्रल पे आया, एकदम भी गाइस गियर अटक नहीं रहा है, मतलब स्मूथली जो है गियर शिफ्ट हो गया। एंड हैंडल रेडियस भी गाइस बहुत ही बढ़िया है, देख रहे हो गाइस एग्जॉस्ट नोट। तो हल्का सा खींच के देखते हैं। ओ गाइस 5000 के ऊपर जब जा रहा है ना बाइक, बाइक का एग्जॉस्ट नोट ही गाइस पूरा चेंज हो जा रहा है, अलग ही एक एग्जॉस्ट नोट मिल रहा है। सस्पेंशन की बात करूँ फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा मुझे जार्क फील नहीं आ रहा है। एंड अभी मैं 5000 के ऊपर गाइस जो है बाइक को राइड कर रहा हूँ, वाइब्रेशन वगैरह उतना मुझे फील नहीं आ रहा है। फुट पेस हैंडल बार फ्यूल टैंक पे भी गाइस एकदम ही वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। इधर P20 के बैजिंग भी मिल जाता है, मतलब
E20 फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल जो है वो सपोर्ट करता है एंड एकदम ही वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं आ रहा है। और एक चीज़ मैं नोट कर पा रहा हूँ, मैं अभी जो है बाइक 50 के आसपास बाइक को भगा रहा हूँ, तो रोड ग्रिप मतलब बाइक जो रोड को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिप करके भाग रहा है, मतलब राइडर को जो है वो कॉन्फिडेंस फील देगा अगर आप लोग हाई स्पीड पर भगाते हो ना बाइक को, उस टाइम पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, वो भी गाइस मुझे बहुत ही फील आ रहा है। बाइक जो एकदम रोड को अच्छे तरीके से पकड़ के चल रहा है, ये फील के लिए ना राइड करके मज़ा आ रहा है एंड पावर भी है, 150 cc का इंजन है उसके हिसाब से मैं कंपेयर करूँ पावर भी बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। गियर शिफ्टिंग भी बहुत ही ऑसम लगा, क्लच गाइस बहुत स्मूथ है एंड इंजन पे काम हुआ है ना वो गाइस आप लोगों को फील आएगा जब भी आप लोग इस बाइक को राइड करोगे, वो फील आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा इस वाले मॉडल पर। एक एक गियर में पावर है गाइस, एक एक गियर पे एंड इधर से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब एनालॉग जो है वो रेड कलर है, ब्लू कलर का जो है स्पीड दिखाएगा इधर पे, एकदम ही छोटे से जगह से इजीली टर्न हो गया बाइक एंड पावर फील आएगा इस बाइक्स में, पावर है। ओ गाइस 6000 के ऊपर का बाइक का जो पावर है वो अलग ही एक डिलीवर हो रहा है, एग्जॉस्ट नोट चेंज हो जा रहा है, बाइक पुल कर रहा है वो वाला फील है एंड बहुत ही फ्लिकेबल है बाइक, बहुत ही ज़्यादा हैंडलिंग ना गाइस मस्त है एंड मैं विद पिनियन राइड कर रहा हूँ, कुछ भी गाइस दिक्कत नहीं है। सीट की अगर बात करूँ तो गाइस सॉफ्ट है, उतना ज़्यादा मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं आ रहा, सॉफ्ट कुशनिंग है। रियर व्यू मिरर की अगर बात करूँ बढ़िया है, मतलब रियर पे अच्छा खासा आप लोगों को जो विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगा, इसके लिए ब्रेकिंग बाइट भी अच्छा, मतलब ओवरऑल अगर बात करूँ राइड करने के टाइम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि स्मूथनेस हो चुका है, ब्रेकिंग बाइट अच्छा है इसके लिए। देख सकते हैं जब थोड़ा ख़राब रोड है लेकिन मुझे गाइस उतना ज़्यादा जार्क फील नहीं आ रहा है क्योंकि सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस इसमें और एक आप लोगों को फीचर्स देखने को मिलता है वो है गाइस साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर। अगर गाइस साइड स्टैंड गिरा हुआ रहेगा आप लोग बाइक को जो राइड नहीं कर पाओगे, जैसे गियर देता हूँ ये देखो इंजन को किल कर दिया, ये राइडर के लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है। तो मुझे तो गाइस ओवरऑल इस बाइक को राइड करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अगर आप लोग और भी कुछ क्वेरी है तो गाइस इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो एंड बाहर में देखो गाइस कितना ज़्यादा स्पोर्टी लुक लग रहा है, मतलब बाइक ओवरऑल अगर देखो तो इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बजाज वीजा शोरूम से, शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं इसी जगह से नेक्स्ट वीडियो पर, सो बाय।